बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम है कि हमारे अमेरिका के साथ बड़े डीप सीटेड रिलेशंस थे जो इमरान ख़ान ने ख़राब कर दिए हैं। सुपर पावर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। कौन से ताल्लुकात? डीप सीटेड रिलेशंस। अब नाज़रीन, आपने भी सोशल मीडिया पर जंग लड़नी होती है तो हम इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको अमेरिका और पाकिस्तान के डीप सीटेड रिलेशंस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे जो अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस थे 70 सालों तक, वो बेहतर थे या इमरान खान के दौर में जो रिलेशंस थे वो बेहतर थे, और जो किरदार हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं उनका हमसे वोट मांगना एक ढोंग होता था, एक ड्रामा होता था। इक्तदार वो अमेरिका से ही मांगा करते थे और काम भी वो अमेरिका के लिए ही करते थे क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो फिर अमेरिका बारी देगा। अगर बारियां अवाम ने देनी होती तो ये अवाम के लिए काम करते। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन, 1965 में हम अमरीका के सेंटों में भी इत्तेहादी थे, सीटों में भी इत्तेहादी थे। अमरीका ने हम पर जो हथियार बेचे हुए थे उसके स्पेयर पार्ट्स उसने रोक दिए ताकि हम भारत के साथ ज़्यादा देर तक ना लड़ सकें। हम अमरीका के इत्तेहादी थे, भारत नहीं था। उसके बाद हम चीन और अमेरिका को करीब लेकर आए निक्सन के दौर में, और बदले में हमें लात मारकर साइड पर कर दिया गया। फिर 1971 में तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था। रूस भारत का इत्तेहादी था, उसने भारत की मदद की। हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, हम उसका रास्ता देखते रहे। वो हमारी मदद को नहीं आया, उल्टा फैसले हमारे खिलाफ हो गए। 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और सैंक्शंस लगी पाकिस्तान पर कि कहीं पाकिस्तान भी बदले में ना कर ले। यानी भारत का गुस्सा भी हम पर निकाला गया क्योंकि भारत पर बस नहीं चलता था और उनकी पॉलिसी नहीं थी कि भारत को खराब किया जाए। उनकी पॉलिसी थी कि पाकिस्तान का इत्तेहादी बनकर पाकिस्तान को डुबोना है। आगे चलकर आपको इसका प्रूफ भी बताते हैं। तो 70s में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सस्पेंशन, सैंक्शन, ग्लेंट सिमेंटन, ग्लेंट अमेंडमेंट आई। ये थे हमारे अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस। 76 में अमेरिका ने हमें कहा, हमारे इत्तेहादी ने, सुपर पावर ने हमें कहा कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं तो हम सैंक्शंस लगाएंगे, और उन्होंने लगा दिए। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े करने थे, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान के करीब आए, सोवियत यूनियन टूट गया, अमरीका गया। अमरीका ये जंग जीत कर वहां जिनेवा में जाकर बिजी हो गया। यहाँ 50 लाख मुहाजरीन आ गए, कलाशिनकोफें आ गई, असलहा आम हो गया, ड्रग कल्चर आ गया पाकिस्तान में, तबाही आ गई। वो छोड़कर चले गए और इनाम क्या मिला? मजीद पाबंदियां लगी। ये थे हमारे अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस जिनको इमरान खान ने खराब कर दिया है। सजा तो मिलनी चाहिए। और याद रखें कि हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, भारत नहीं, भारत सोवियत यूनियन का इत्तेहादी था। फिर हमने F-16 तैयारे खरीदे, पैसे दिए, मुफ्त नहीं ले रहे थे। 1989 में सीनियर बुश ने इनकार कर दिया कि हम आपको जहाज नहीं दे सकते क्योंकि ये जहाज अगर मिल गए तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, ये जहाज भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। $324 मिलियन हमने दिए थे, उसके हमें जहाज नहीं मिले, हमें वीटो सोयाबीन दे दी। ना जहाज मिले ना पैसे वापस मिले। ये हम आपको कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहे, आपको फैक्ट्स बता रहे हैं कि ये हमारे अमरीका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस थे। 2002 में भारत से न्यूक्लियर पाबंदियां हट गई, हमसे नहीं हटी। कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और फिर वॉर ऑन टेरर आ गया। फिर अफगानिस्तान की जंग में हमें धमकी दी गई कि अगर आपने अमेरिका का साथ ना दिया तो आपको पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया जाएगा, और हम डर गए। हमारे बड़ों से वही गलतियां हुई जो आज वो दोबारा कर रहे हैं। हमने अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया और हम अमेरिका का साथ देकर पत्थरों के दौर में पहुंचे। अमेरिका कहता रहा कि हम आपको डॉलर्स दे रहे हैं, डॉलर्स दिए $20 अरब और हमारा नुकसान हुआ करीब $200 अरब का, हमारी मईशत तबाह, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट यहां से चली गई, पाकिस्तान दहशत गर्दों का मरकज बन गया, हमने 80,000 जानों का नजराना दिया, और बदले में हमें क्या मिला? दहशत गर्दी का टैग कि तुम तो दहशत गर्द हो। और ये जो अफगानिस्तान में अमेरिका जंग नहीं जीत सक रहा, उसकी हार का सहरा भी पाकिस्तान के सर पर सजाया गया। पाकिस्तान की कुर्बानियों का कभी शुक्रिया नहीं अदा किया गया, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया। इमरान खान से क्या गलती हुई? उसने आकर पूरी दुनिया को बता दिया कि असल गेम क्या हुई है, और दुनिया जो पाकिस्तान को दहशतगर्द समझती थी वो पाकिस्तान को अमन पसंद कहने लगी। दुनिया जो इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ती थी, जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो बीमारी इमरान खान ने खत्म करा दी।
और अफगानिस्तान में अमेरिका की जो हार थी उसका सहरा जो पाकिस्तान के सर पर सजाया जाता था वो पाकिस्तान के सर से उतरा और वापस अमेरिका के सर पर सजा दिया गया। दुनिया को सच्चाई पता चल गई। अब वीडियो के आखिर में हम आपको अमेरिका की पॉलिसी बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को कभी स्टेबल होने नहीं देना। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है ये 72 साल पहले पॉलिसी बन चुकी थी, ये लिख दिया गया था, आपको सबूत के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि नवाज शरीफ की जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं उसमें उन्होंने अमेरिका के साथ क्या क्या कमिटमेंट्स की हैं, मुल्क का क्या क्या दोबारा से बेच दिया है उसने, ऐसी क्या कमिटमेंट्स हुई हैं, ऐसा क्या बेचा है कि अमेरिका कह रहा है कि बस इमरान खान को हटा दो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ। अमेरिका होता कौन है हमारे गुनाह माफ करने वाला। लेकिन उसे छोड़ें, ऐसी कमिटमेंट्स क्या हुई हैं कि सारी ताकतों की आज एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ एक बार वजीर आजम बन जाए। फिर इन लीडर्स को वापस इक्तदार में लाया जा रहा है जिन्होंने मेमो गेट में अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें हमारी फौज से आकर बचा लो। फिर जब अमेरिका हमें तैयारे नहीं बेचता था कि कहीं हम भारत से मजबूत ना हो जाएं और हमने अपने तैयारे बनाना शुरू किए, तो जरदारी ने एयर मार्शल शाहिद लतीफ से कहा कि ये तैयारे बनाने का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करो, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा। इनको इक्तदार दिला रहे हैं। हम जो आपसे कहते रहते हैं कि ये आएंगे और अमेरिका और भारत के हक में फैसले कर जाएंगे, इसलिए इनका एक दिन के लिए भी इक्तदार में आना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम ऐसे ही नहीं कहते, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपको समझा सकें कि हम ये सब कुछ क्यों कहते हैं। आगे सुने, IAEA में हमारी एक पोजीशन थी, PPP ने हुसैन हकानी के जरिए उस पोजीशन को बदलवाया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जो मर्जी हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ वो पहला पाकिस्तानी लीडर था जो हिंदुस्तान के ऑफिशियल विजिट पर गया और APHC की कश्मीरी लीडरशिप उनसे मिलना चाहती थी, ही रिफ्यूज टू मीट देम। शर्मनाक, इमरान खान की वजह से आज बच्चा बच्चा पूरी दुनिया कश्मीर को जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया मोदी को हिटलर कहती है, पूरी दुनिया आज भारत को दहशतगर्द कहती है, भारत को इंतहा पसंद कहती है जो पाकिस्तान को कहा करते थे, और पाकिस्तान को अमन पसंद कहती है जो भारत को कहा करते थे। ये कसूर किया है इमरान खान ने जिसकी सजा दी जा रही है। किसने कहा था मुंबई हमलों के बाद कि हम ISI चीफ को हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार हैं? किसने मुल्क में ब्लैक वाटर CIA को खुली छुट्टी दी? वीजे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान आपकी खाला जी का घर है, बगैर वीजे के आओ और जाओ, जो दिल करे करो, कोई नहीं पूछेगा। अजीत दोवल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, बगैर वीजे के पाकिस्तान आता है, उधर कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है और यहाँ अजीत दोवल को एंटरटेन किया जा रहा है, उनको मरी की सैर कराई जा रही है। दफ्तर खारजा को ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना वरना भारत नाराज हो जाएगा, और भारत को कहा जाता है कि हाँ अजमल कसाब पाकिस्तानी ही था और ये लें उसका एड्रेस। और अगर आपको हमारी इन बातों का यकीन नहीं है तो अब्दुल बासित की किताब हॉस्टिलिटी पढ़ लें। नेपाल में मोदी के साथ अपनी आर्मी के खिलाफ मुलाकातें होती हैं, दफ्तर खारजा से भारत फोन जाते हैं कि हमारे जर्नैलों से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दें। नाज़रीन, अगर ऐसे ही जिंदा रहना है तो हमें नहीं रहना जिंदा। अब नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके लिए आप सिर्फ एक किताब पढ़ लें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डेनियल मार्के ने लिखी है। इसमें वो बताते हैं कि हमने 72 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, और इसकी उन्होंने 3 रीजंस बताई। पहली रीज़न ये बताई कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा और इतना एक्सटेंसिव है कि उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, और उस पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके चीन के मिलिट्री और सिविल दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए चीन पर नज़र रखनी है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा, पाकिस्तान की फ़ौज मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़ौज है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, कहीं पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को लीड ना करने लग जाए, तो पाकिस्तान की फ़ौज पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए 72 साल पहले हमने ये फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। अब इमरान खान ने अमरीका की ये कमज़ोर रग पकड़ ली थी कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो हमारे साथ बराबरी का सलूक किया जाए, क्योंकि दोस्ती तो बराबरी की बुनियादों पर होती है, और वो चीज़ हो रही थी, वो होने लगी थी कि हम डर गए। अमेरिका ने आखिरी कोशिश की और हम डर गए। डोनाल्ड लू पर थोड़ा सा दबाव डाला गया कि आपने पाकिस्तान को रोकने के लिए क्या कोशिशें की हैं, उसने पाकिस्तानी साबिक सफीर के साथ मुलाकात करके ये धमकी दे दी और हम डर गए और इमरान खान की सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया।
वरना हम अपनी अहमियत को जानते तो हम जो चाहे अमेरिका से करवा सकते थे, हम उनकी मजबूरी हैं। फिर आगे वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को डेवलप होने की यानी तरक्की करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान को हमेशा बेसाखियों पर रखना है, अपना मोहताज रखना है, और इसके लिए हम पाकिस्तान के तमाम इदारों से अहम तरीन लोगों को खरीद लेते हैं। और डैनियल मार्के बताते हैं कि पाकिस्तानी बड़े सस्ते बिक जाते हैं, थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं, एक वीजे पे बिक जाते हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप पे बिक जाते हैं। लिहाजा हमने पाकिस्तान के हर इदारे के अहम तरीन लोग खरीदे हुए हैं। जनरल हमीद गुल की एक वीडियो है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम लिस्ट में टॉप पर था और जिसका नाम छठे नंबर पर था उसे आर्मी चीफ बना दिया गया, आपको नहीं बनाया गया, क्यों? जनरल हमीद गुल ने कहा, क्योंकि मैं अमरीका को पसंद नहीं हूँ। यहाँ पर कोई भी आर्मी चीफ अमरीका की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। आलमी रैंकिंग में हमारी फौज का नंबर 9वां है और उस पर भी हम खफा हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा नाम 5वें या 6ठे नंबर पर आना चाहिए। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी फौज, इतनी ताकतवर फौज, वो अपनी मर्जी से अपना आर्मी चीफ नहीं बना सकती। अगर अमेरिका का इतना ही कंट्रोल है और वो इतना ही भारत नवाज है और पाकिस्तान दुश्मन है तो मसले कश्मीर को ख़त्म क्यों नहीं करवाता? पाकिस्तान से ये क्यों नहीं कहता कि इस मौक़िफ़ से भी पीछे हट जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि हम इस तरह के मसाइल में फंसे रहें। जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था तो सोवियत यूनियन ने हमें सबसे पहले दावतनामा भेजा था, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर चले गए और भारतीय वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर चले गए, और इस फैसले पर हम आज तक पछता रहे हैं। अगर हमारे वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर चले जाते तो आज रूस और पाकिस्तान इत्तेहादी होते, एक होते, दोस्त होते। अमेरिका के दौरे पर चले गए तो ग़ुलाम बन गए। ये पाकिस्तान की तारीखी गलती थी और आज इस गलती को इमरान खान ने दुरुस्त कर दिया था रूस का दौरा करके। उसकी सज़ा मिली है इमरान खान को। ये हैं पाकिस्तान और अमेरिका के डीप सीटेड रिलेशंस जो इमरान खान ने ख़राब कर दिए हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको पाकिस्तान और अमेरिका के डीप सीटेड रिलेशंस भी बता दिए। क्या वो 70 साल रिलेशंस बेहतर थे या इमरान खान के 3.5 साल दौर के रिलेशंस बेहतर थे, ये फैसला आप खुद कर लें। फिर जिन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, जिन पर हम फूल फेंकते हैं, उनका किरदार भी आपको बता दिया, और आखिर में सबूतों के साथ आपके सामने अमेरिका की पॉलिसी भी रख दी। अगर आपको अब भी नहीं यकीन तो आप ये किताब पढ़ लें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि नाज़रीन, हम जानते हैं कि अगर हम एक कौम बन जाएं, हम एक हो जाएं, तो हम 22 करोड़ हैं। ये आलमी ताकतें, ये इदारे, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा, लेकिन हम बैठ कर तमाशा देख रहे हैं और खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि कब निकलोगे, कब निकलोगे? इस जिस्म में जान तुम्हारी है, ये कैद तुम्हें क्यों प्यारी है? इस पिंजरे से कब निकलोगे? जब सारे पर कट जाएंगे तब निकलोगे, कब निकलोगे? माना कि रात अंधेरी है, पर सुबह तुम ही को लानी है। सूरज को हाथ लगाना है, सूरज में आग लगानी है। ये रात तुम्हें खा जाएगी, तब निकलोगे, कब निकलोगे? बादल पैरों के नीचे हैं और तुम पानी को तरसते हो। बारिश भी बन सकते हो तुम, आंसू बनकर ही बरसोगे। जब सांस की मट्टी सूखेगी तब निकलोगे, कब निकलोगे?